नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? होप गाइस सारे बढ़िया होंगे। मैं आलिया शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्राई सिटी हाउस में। दोस्तों आज हम आए दिल्ली मनाली हाईवे पे आपके लिए बहुत ही प्यारे 3BHK प्लस 3+1 के फ्लैट लेकर। जिस प्रोजेक्ट पर मैं आई हूँ उनके सेल्स मैनेजर से मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। आइए सर। हेलो। हेलो मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज तरुण, आई एम सीनियर सेल्स मैनेजर इन MDB ग्रुप। ओके सर, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, कितने एकड़ में आपकी सोसाइटी रहेगी? बेसिकली ये 6.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है तालुटियंस। ओके। और इसमें 2.5 एकड़ में अपना ग्रीन पार्क एरिया रहेगा और 12,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस रहने वाला है। और अमेनिटीज वगैरह क्या रहेंगी इसमें? अपना जो 12,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा उसमें अपना जिम आ जाएगा, स्विमिंग पूल आ जाएगा, मिनी थिएटर आ जाएगा। मतलब कितनी टोटल कितनी अमेनिटीज लाइक आ रही है? 30+ अमेनिटीज रहने वाली है इस प्रोजेक्ट। और मेन लोकेशन बता दो कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी अपने प्रोजेक्ट की? एग्जैक्ट लोकेशन रहने वाली है दिल्ली मनाली एक्सप्रेस वे NH 205 रहने वाला ये रोड। okay. तो मेन है। ओके okay. चलो तो सर सैंपल फ्लैट का टूर करवा दीजिए। सर कितनी स्क्वायर फीट का रहेगा जो सैंपल फ्लैट का आप शूट करवा रहे हैं हमें? ये बेसिकली मैम 2380 स्क्वायर फीट में रहने वाला है। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट रहने वाले हैं, 2 लिफ्ट्स आ जाएगी और 2 स्टेयरकेस आ जाएंगे। ओके। इस साइड लाइक ये अपना सर्वेंट रूम आ जाएगा। 3+1 का कंसेप्ट है, सर्वेंट रूम हमने बाहर ही दिया। साथ इसका साइज क्या है जैसे हम जिसका टूर कर रहे हैं? 2380 स्क्वायर फीट साइज है इसका। ओके। इसके साथ भी विद अटैच आप जो है वॉशरूम दे रहे हो और ये लाइक बेडिंग का आपने दे रखा है। ठीक है, तो आप मेन एंट्री करवाइए प्लीज। ये मेन एंट्रेंस गेट रहने वाला है। ओके सर, जो डोर वगैरह है मैम बता रही थी ये सेम एज इट टीक वुड का, टीक वुड का आप दे रहे हो। लाइक ये जो बहुत अच्छी मुझे जो चीज लगी है ना, ये चीज लगी है। आपके घर पे कोई भी आ रहा है तो आप यहाँ से खोलोगे और देख सकते हो कि आपके घर के बाहर कौन खड़ा है। लाइक हैंडल्स वगैरह जो है आप सारा कुछ सेम दे रहे हो? सेम एज इट इज रहने वाला है। ओके, एंटर करते सबसे पहले आपने दे दिया पाउडर वॉशरूम। ओके, पाउडर रूम आ गया ये आपका। लाइक वैनिटी वगैरह आप दे रहे हो साथ में? सेम एज इट इज रहने वाला है। ओके, तो गाइस खास बात इन फ्लैट्स की है कि सारे जो रूम है प्रॉपर प्राइवेसी बनी है, प्रॉपर हिडन जो है यहाँ पे बेडरूम रहेंगे। जैसे मैंने लेआउट देखा है तो ये आपका जो है फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा ना? ये गेस्ट बेडरूम आ जाएगा हमारा प्रॉपर। ओके, इसमें एलईडी स्ट्रिप्स के साथ रहेंगे। ओके, लाइक ये एक्रेलिक जो है, एक्रेलिक कहेंगे इसको हम? यस यस मैम। ओके, फुल हाइटेड आपके जो है वार्डरोब्स आ जाएंगे और अंदर जो प्रोफाइल लाइट लगी है वो सेम एज इट इज रहेगी। ओके, और जैसे पैनल्स वगैरह हम देख रहे हैं, कोई सामान वगैरह दे रहे हैं, ये आप दे रहे हो? ये नहीं दे रहे। ओके, सेमी फर्निश्ड हमारा फ्लैट रहेगा। बेसिकली गाइस ये जो है हमारा सैंपल फ्लैट है, ये हमें सैंपल फ्लैट का टूर करवा रहे हैं। आपको एक आइडिया हो जाता है कि सामान लगाने के बाद हमारे फ्लैट में जो है कितनी स्पेस बच जाती है। और एक आइडिया और भी हमें मिल जाता है हाउ टू डेकोरेट योर फ्लैट और होम। इसके साथ अटैच वॉशरूम है। ओके, वॉशरूम भी काफी स्पेशियस लग रहे हैं ना? लाइक टाइलिंग वगैरह जो इससे देख रहे हैं सर, हम सारा कुछ सेम मिलने वाला है? सेम एज इट इज रहने वाला है। ओके, टाइलिंग जैसे ये नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, सब में सेम रहेगा? सेम एज इट इज। और ये पार्टीशन करके दे रहे हो आप ग्लास की? पार्टीशन नहीं रहेगी। ओके, सारी वॉल हैंगिंग सीट्स आ गई हमारी जैगुआर की, यहाँ पे हमें फिटिंग्स मिल रही है। और जो ऊपर हम लाइट्स देख रहे हैं ये एज इट इज रहेगी, नॉर्मल पोर्सलिन रहेगी। अच्छा, इस रूम के साथ आप अटैच जो है बालकनी भी दे रहे हो? यस यस, 8 फीट की बालकनी रहने लाइक आपने ये जो है मोटराइज्ड कर्टेन्स लगा रखे हैं। यस, तो गाइस यहां से भी हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हम जो है लाइक रिमोट से भी अपने कर्टेन्स हैं जो वो क्लोज ओपन कर सकते हैं। ये UPVC विंडो आ गई सर हमारी? यस सर। ओके, देखो बिल्कुल हाईवे पे गाइस हमारी प्रॉपर्टी आ गई। ये हमारा फ्लैट और बिल्कुल सामने जो है हमारा हाईवे आ गया, नेशनल हाईवे आ जाएगा। 8 फीट की बालकनी रहने वाली है ये। ओके, लाइक ये सेम साइज की जैसे लेंथ ब्रेथ आप देख रहे हो सारे रूम के साथ डबल साइड बालकनी रहने वाली है। अच्छा, दोनों साइड लाइक इस साइड भी रहेगी और दूसरी साइड भी रहेगी, 2 साइड ओपन जो है हमारे फ्लैट्स आ जाएंगे ना? लाइक वेंटिलेशन का सनलाइट का कोई भी इशू गाइस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। और इवन यहाँ के जो वुडन इन्होंने फ्लैट्स में यूज करी है वो टीक वुड यूज की हुई है। यस मैम। ओके, ये आ जाएगा हमारा ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया। स्पेस तो काफी अच्छी दे रखी है आपने ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया में भी। लाइक देखो इस साइड जो है हमारा बहुत ही स्पेशियस जो है लिविंग एरिया आ जाएगा। बहुत अच्छी स्पेस आपको मिल रही है, सोफाज लगाने के बाद भी बहुत जो है अच्छी आपको एक रनिंग स्पेस मिल रही है गाइज। यहाँ पे अटैच आपको बालकनी मिल रही है जो मैंने अभी रिसेंटली आपको शो करवाई है। सर वैसे आप फ्लैट में फॉल सीलिंग वगैरह दे रहे हैं? नॉर्मल फॉल सीलिंग। अच्छा, नॉर्मल फॉल सीलिंग रहेगी। यस। ओके, और इस साइड कुछ दे रहे हैं आप? ये मंदिर के लिए आ जाएगी ये नॉर्मल। ये लाइक आपने एक आइडिया दे रखा बट आप ऐसा दोगे नहीं कुछ भी? देंगे, सेमी फर्निश्ड रहेगा। सेमी फर्निश्ड फ्लैट। तो गाइज इस साइड जो हमारा डाइनिंग आ जाएगा, इजिली 6 सीटर का जो डाइनिंग है हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। इवन इस साइड भी आपको बहुत ही स्पेशियस जो है बालकनी मिल रही है, 2 साइड ओपन जो है हमारे फ्लैट्स रहेंगे। किचन के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए, किचन में आप क्या क्या दे रहे हैं?
हम किचन अपनी यहाँ से लेकर वहाँ तक सेम रहने वाले, यू शेप की, लाइक फुली मॉड्यूलर किचन आ जाएगी। अप्लायंसेस दे रही हैं आप साथ में? ये दो चीजें रहेंगे, बाकी ये सेम एज इट इज रहने वाले। ब्लम की हमारी यहाँ पे जो है फिटिंग्स आ जाएंगी। यस मैम। ओके, कैबिनेट्स की तो काफी अच्छी स्पेस दे रखी है आपने ना। दीवार पे प्रॉपर अपनी मार्बल रहेगी। ओके, हैटिक की गाइस यहाँ पे आपको किचन मिल रही है। ओके, लाइक यहाँ पे भी आपने चीजें जो यूटिलाइज करनी है रखनी है वो आप इजीली रख सकते हैं। स्पेस बहुत अच्छा मिल रहा है किचन में। इवन डबल बाउल सिंक मिल रही है, वो भी आपको साउंड प्रूफ मिल रही है। आरओ चिमनी ऑलरेडी हम पॉइंट लगा के दे रहे हैं, और ऊपर आपको जो है सिंपल फॉल सीलिंग यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे चिमनी माइक्रोवेव के लिए, ओटीजी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। और इस साइड जो है हमारी पेंट्री आ जाएगी। सॉरी, रेफ्रिजरेटर दे रही हैं सर आप? नो नो मैम, ऑलरेडी ये अपने सैंपल दिखाया। ओके, सैंपल दिखाया। इस साइड जो है हमारा लाइक स्पेस दे रखी है, इस साइड रेफ्रिजरेटर की आपने स्पेस छोड़ी हुई है। यस। ओके, ठीक है, ऑलराइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम में भी आप देखोगे प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन हो रखी है। कोई भी जो बेडरूम है प्रॉपर हिडन है। और वॉल्स पे देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे डिजाइनिंग कर रखी है यार। लाइक मैम, मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है इन फ्लैट्स में आके। मैंने बहुत सारे सैंपल फ्लैट्स की वीडियो बनाई है, बट इनका कंसेप्ट यार कुछ अलग सा। बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्होंने सैंपल फ्लैट है जो वो रेडी किया हुआ है। लाइक बेड लगाने के बाद भी देखो आपको आइडिया मिल जाता है स्पेस कितनी आपको यहाँ पे मिल रही है। बहुत अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिली। इवन हमने इस साइड जो है पैनल लगा रखा है। इस साइड जो है हमारी अटैच जो है बालकनी आ जाएगी। बहुत स्पेशियस है, घर में बालकनी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। लाइक हमने शाम को टी कॉफ़ी इंजॉय करनी है, कपड़े सुखाने हैं, कुछ भी। लाइक फ्लैट्स में ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन होना हो गया, लाइक लाइटिंग देखो आप प्रॉपर हमारे फ्लैट में नेचुरल लाइट्स आपको गाइज यहाँ पे मिलने वाले हैं। और वॉकिंग क्लोसेट आपको इस साइड मिल रहा है। ये देखिए सर, वार्डरोब्स तो आप सेम दे रहे हो ना? सेम दे रहे हैं। इसमें कोई ये तो नहीं है कल को कि आप दिखा कुछ रहे हो वार्डरोब्स में? आपने एज अ पूजा रूम में कन्वर्ट कर रहा है या स्टोर रूम में करना है वो भी कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू यू। और वॉशरूम मेन देखिए, बहुत ही स्पेशियस जो है आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रहा है। बहुत ही प्यारा टाइल वर्क कर रखा है। नीचे देखिए मैट टाइल आ जाएगी ब्लैक कलर की, लाइक ब्लैक थीम आ जाएगी। इस साइड वैनिटी बहुत प्यारी मिल रही है, जगुआर की फिटिंग मिल रही है, प्रॉपर पार्टीशन कर रखी है, वॉल हैंगिंग आपकी सीट्स आ जाएंगी। बट गाइस ये जो है हमारा बहुत ही प्यारा कह सकते हैं वॉशरूम, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमने डिजाइन किया हुआ है। मेन बात इस रूम में वुडन, हाँ वुडन फ्लोरिंग आप करके दे रहे हैं? करके दे रहे हैं। ओके, ये मास्टर बेडरूम आ जाएगा ना सर हमारा? यस यस मैम। ओके, चलते हैं हम थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में भी देखो गाइस स्पेस बहुत ही अच्छी मिल रही है। बेड लगा रखे दोनों साइड जो है हमने, प्रॉपर एक जो है पैनल लगा रखा है वॉल्स पे। बहुत ही प्यारी जो है बेड बैक कर रखी है, प्रोफाइल लाइट लगा रखी है। इवन मुझे ना यार यहाँ की फॉल सीलिंग बहुत प्यारी लगी, कितनी अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन की है। बहुत ही डिसेंट और जो है एलिगेंट लग रही है। आप देखिए बहुत ही प्यारा जहाँ पे झूमर लगाया, फैंसी लाइट्स बहुत प्यारी लगा रखी हैं। इस साइड भी देखिए पैनल आ जाएगा आपका वॉल पे, बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है। ये हमारा वुडन वर्क आ जाएगा, ये आपके वार्डरोब्स आ जाएंगे। ये तो सर सेम रहेंगे ना इस रूम में भी? तीनों बेडरूम में हम दे रहे हैं वार्डरोब्स? यस यस मैम। ओके, विद अटैच गाइस आपको जो है वॉशरूम मिल रहा है। देखिए इसमें भी जो है टाइल कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा दिया गया है। जगुआर की फिटिंग आ गई, प्रॉपर वैनिटी मिल रही है। बट इसमें ना हम पार्टीशन आपको करके नहीं दे रहे वॉशरूम में। अकॉर्डिंग टू देम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम पार्टीशन करके नहीं देंगे वॉशरूम। ओके, विद अटैच बालकनी। लाइक सर ये तो देखो 3+1 है ना ये हमारा जो सैंपल है, बट आप कह रहे थे हमारे पास 3 BHK भी है, उसका क्या साइज है? वो 21x21 स्क्वायर फीट में रहने वाला अपना। वो भी टू साइड ओपन रहेगा वो? यस यस मैम, मतलब उसमें भी बालकनी रहेगी। दोनों साइड दे रहे हो आप बालकनी? सिंगल साइड रहने वाली है उसमें बालकनी। ओके ठीक है, स्पेस थोड़ा कम रहेगा उसमें। ओके, लाइक अमेनिटीज में आपने बताया कि सारी अमेनिटीज प्रॉपर, कैफेटेरिया आ रहा है प्रॉपर, 12000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस रहेगा, 12000 स्क्वायर फीट में उसमें जिम आ जाएगा, ओपन में अपना रेस्टोरेंट आ जाएगा, कैफेटेरिया आ गया, हमारा बैंकेट हॉल आ गया। कल कोई भी अपने फंक्शन वगैरह कर रहा तो सोसाइटी के अंदर ही आपको प्रॉपर जो है बैंकेट हॉल भी मिल रहा है, स्विमिंग पूल आ गया। मतलब एक ही सोसाइटी में आपको प्रॉपर लग्जरी फील आने वाला है गाइस इस सोसाइटी में आपको। तो सर और क्या ही पूछे, बाकी सारा कुछ आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया है हमें, है ना? तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फ्लैट को बाय करने के लिए तो मैं नीचे नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप उस नंबर पे जाके अपनी क्वेरीज जो फुलफिल कर सकते हैं। बहुत ही लग्जरी फील इस सोसाइटी में आई एम श्योर आपको आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आलिया मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।